हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आ रहा है हमारा होम टूर जो कि 2 साल से पेंडिंग था आप सबकी डिमांड पर, आज हम फाइनली लेकर आ गए हैं। तो चलो चलते हैं अंदर बिना टाइम वेस्ट करें। Yes. चलो आ जाओ। सबसे पहले यहाँ से हमारे घर की स्टार्टिंग रावत्स विला और ये गणेश जी यहाँ पर बने हुए हैं ताकि गणेश जी के आशीर्वाद से हम लोग सब अंदर जाएं घर के। वैसे बाकी गाड़ियों की पार्किंग बाहर होती है लेकिन ये भी एक एरिया है जहाँ पे हम कोई भी अपनी एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं। साथ ही में इसमें आप ये बॉक्सिंग का सामान देख सकते हो, सब यश का है। तो गाइस सबसे पहले हमारे एंट्रेंस पर आपने देखा गेट, उसका जैसे हम गेट से अंदर आते हैं ना तो ये एरिया है। ये एरिया इसलिए जैसे कभी बरसात होती है तो कोई अम्ब्रेला लेके जा रहा है, कोई रेनकोट लेके आ रहा है, वो सब इधर रखवा देता है। तो घर की शुरुआत में सबसे पहले दर्शन होते हैं हमारे कान्हा जी के। कान्हा जी यहाँ से हमें ब्लेस करते हैं, उसके बाद हम अंदर जाते हैं और यहाँ पर शुरुआत गणेश जी के साथ होती है। हम आशीर्वाद लेते अंदर जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा सा शीशा लगा हुआ है कि इन केस जब कोई बाहर जा रहा है तो हम एक फाइनल बार खुद को देख सकते हैं कि हम ठीक लग रहे हैं या नहीं। मतलब पूरा पूरी प्लानिंग से बनवाया है इसको। और यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा थोड़ा सा रेट्रो थीम लिया हुआ है, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को देखने में। बड़ा सूदिंग, बहुत सूदिंग कलर यहाँ पे लिया हुआ है। अब हम चलते हैं, इसके बाद सीधी एंट्री आती है हमारे ड्राइंग रूम की। आइए। तो गाइस सबसे पहले घर के अंदर घुसते ही आता है हमारा ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में आपको टूर कराने वाली है नितारा। चलो नितारा बताओ। तो यहाँ पर है कुछ सोफे और टेबल, और सोफे बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट करना पड़ता है कई बार। हाँ। पापा के बहुत सारे जब मीटिंग्स होती है ना, कई बार ऐसा होता है पैरेलल 2 मीटिंग्स चल रही है या अलग अलग लोग आ जाते हैं, तो कई सारे लोग आ जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी स्पेस है बैठने के लिए। वैसे अगर मुझसे पूछा जाए ना, मैं एक जगह तो पूरा हटा कर और यहाँ वो रख दूँ पूल टेबल क्योंकि बहुत स्पेशियस यार ये जगह। और यहाँ पर ना देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो एंट्री करते ही इनको बोलते हैं माया। तो ये माया मूर्ति यहाँ पर है और ये बहुत हैवी है उठाने में। बाकी आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2 साइड से ओपन है, यहाँ से सनलाइट आ सकती है, एक उधर से सनलाइट आ सकती है। मतलब स्पेशियस बहुत है यार, इसमें बैठ के हम आराम से अंताक्षरी और वो क्या बोलते हैं खो खो खेल सकते हैं, इतना स्पेशियस है ये। तो यहाँ पर 2-2 AC हैं क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, एक से काम नहीं बन पाता। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ, ये शायद एक ही बार चला है अभी तक। बाकी आप देखोगे इसका ना पूरा ये एक रेट्रो थीम पर है हमारा ड्राइंग रूम, क्योंकि मम्मी को ऐसी रॉयल चीज़ें बहुत पसंद है, थोड़े रेट्रो टाइप का थीम उनको पसंद है। यहाँ पर 2 एक किंग चेयर रखी हुई है कि मान लो अगर मीटिंग चल रही पाई की अपने स्टाफ के साथ तो पाई इधर बैठें और सबको कुछ डायरेक्ट करें उसके लिए, लेकिन ये यूज़ बहुत कम होते हैं क्योंकि ज़्यादातर पापा अपनी मीटिंग्स ऑफिस में निपटाते हैं। और इस रूम का ब्यूटिफिकेशन तो इतना हुआ है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब देखो यहाँ पे रेट्रो स्टाइल टेलीफोन रखा हुआ है, हेलो हेलो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ये सब मम्मी की चॉइस है। यहाँ पर शंख रखा हुआ है बहुत पुराना, बहुत सारे ऐसे आइटम्स रखे हुए हैं जो कि मम्मी को कलेक्ट करना बहुत पसंद है ये। तो इससे समझ आता है मतलब हमारे घर का जो मेन रूम है वो एक तरीके से ही है, क्योंकि विजिटर्स तो मोस्टली यहीं तक आते हैं, लेकिन आप लोग विजिटर नहीं हो, आप सब तो फैमिली हो। अंदर चलते हैं। चलो, एक ये हमारा गेस्ट वॉशरूम, जो भी लोग इधर आते हैं ड्राइंग रूम में बैठते हैं मीटिंग के लिए या जो भी मिलने आते हैं उनको वॉशरूम जाना, तो उनके लिए ये वॉशरूम है एंट्री पर ही, आप देख सकते हो। ये भी बहुत प्यारा सा बना हुआ है, आप देख सकते हो ना, बहुत अच्छे इसमें ये मार्बल लगा हुआ है। और ये थीम आप देख सकते हो, रॉयल थीम है, राजस्थानी थीम टाइप का लगता है। नहीं, ओके चलते हैं अब अंदर। तो अब हम आए घर के हॉल में, यहाँ पर है हमारा डाइनिंग टेबल, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी थोड़ा आपको रेट्रो टच एक दिखेगा क्योंकि मम्मी उनको पसंद है चीज़ें। बाकी इधर एक स्क्रीन लगी हुई है, कई बार क्या होता है मान लो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है, मैच चल रहा है, हम लोग इधर डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं साथ में, तो यहीं से हम टीवी देख सकते हैं। बाकी इसमें CCTV भी अटैच्ड है ताकि जहाँ भी कैमरेज लगे हुए तो वो भी यहीं पर बैठ के हम देख सकते हैं। और यहाँ पर ये एक शॉर्ट अलमीरा टाइप की, यहाँ पर बहुत सारा हमारा सामान रखा रहता है जो भी हम यूज़ करते हैं ना चीज़ें, मतलब बार बार को लेने ऊपर नहीं जा सकते तो यहाँ पे रखी हुई है वो सारी चीज़ें। अभी बारी हमारे किचन की। किचन को आप मेरे व्लॉग्स में बहुत बार देख चुके हो, लेकिन आज मैं पूरा एक आपको अच्छे टूर कराने वाला हूँ यहाँ का। तो हमारा किचन है, और किचन की मुझे सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या लगता है, ये आप देख सकते हो ना, ये स्टोरेज के लिए कितना सारा यहाँ पे स्टोरेज हो जाता है सामान। ये हमारा फ्रिज, इन सब में पता नहीं क्या क्या रखा हुआ, वो सब मुझे नहीं पता, बादू भाई को पता है, मैं छेड़ूंगा भी नहीं वरना नाराज़ हो जाएंगे वो। बाकी आप देखते हैं किचन काफ़ी स्पेशियस है यहाँ पर। ये पूरा पर्टिकुलर कॉर्नर है जिसमें हमारा जंक फूड रखा होता है, लाइक कुरकुरे, चिप्स, नमकीन वगैरह वैसा। बाकी यहाँ पर क्या है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मैं ज़्यादा छेड़छाड़ करूँगा। चलो अंदर चलते हैं अब। ये आप देख रहे हो ना, ये है जो हमारे एक्स्ट्रा शूज़ है ना डेली वेयर के, सबके इधर रखे हुए हैं ताकि जैसे ही जाएँ तो यहाँ से पहन के सीधा बाहर निकल जाए। बाकी आके उतार भी धरी देते हैं, ये सब एक्स्ट्राज वाले हैं, बाकी सबके रूम में अपने अपने रखे हुए हैं जो उनके फेवरेट्स होते हैं। एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप का ये बना हुआ है यहाँ पर,
और ऊपर यहाँ ज़्यादातर उस सफाई वाला सामान रखा हुआ रहता है। अब आपको दिखाता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे और क्या क्या है। ये एक मेरा दोस्त है, इसका अभी कोई नामकरण नहीं हुआ है, ये इधर ही बैठा रहता है, बहुत शांत है, सबसे शांत बंदा यही है हमारे घर का। अभी हम आते हैं यश के रूम में। ये रूम आप ऑलरेडी देख चुके हो, जो मैंने यश के बारे में वीडियो बनाई थी उसमें, तो ये रूम आप देख सकते हो, उसका पसंद का थीम है, इसमें थोड़ा सा डार्क थीम है। और ये उसका बेड है, वो उसका एक रिक्लाइन सोफ़ा रखा है क्योंकि वो यहाँ बैठ के टीवी देखता है और गेम्स खेलता है, उसको बहुत गेम्स का शौक है। अब चलते हैं दीदी के रूम में। ये रूम है दीदी का, ऐसा सोचा दीदी ज़्यादा नींद रहती है इसमें क्योंकि ये मेरा फेवरेट रूम है, इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। ये रूम थोड़ा सा लाइट थीम्ड है क्योंकि ऑब्वियसली दीदी की पसंद से है। ये है दीदी वाले रूम का वॉशरूम, आप देख सकते हो एकदम लाइट मार्बल इसमें लगा हुआ है और बहुत बहुत सूदिंग टाइप का ये कलर है। तो ये हमारा एक छोटा सा गार्डन है पीछे, जहाँ पे हम कई बार बैठ के चाय पीते हैं सब लोग साथ में। ये यहाँ पर वो है जहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक खेती हो रही है, मम्मी अपनी बहुत सारी सब्जियाँ यहाँ पे उगाती हैं, तो ये उस वो वाला एरिया है। ये पूरा एरिया हमारे यूज़ के लिए है और इसको हम बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ करते भी हैं। यहाँ पे प्रॉपर मम्मी ने देखो कितने सारे ये पेड़ हैं अलग अलग तरीके के, फ्लावर वाले, वो सब यहाँ पे उगाए हुए हैं। ये बालकनी ये जाती है यश के रूम में। यश के रूम आपने देखा था, ये उसका बैक साइड है बाहर से। यहाँ पर ये सारे आप ये एंटीक पीस देख देख के समझ जाओगे, ये भी मम्मी ने रखे हुए हैं। अब चलते दूसरे रूम में। किचन से ही अटैच्ड है ये रास्ता, और ये रास्ता वैसे तो होता था लिफ्ट के लिए यहाँ पर, लेकिन लिफ्ट नहीं लगवाई हमने और हमने सिर्फ यहाँ सीढ़ियाँ लगाई हुई है। ये हम नीचे जाते हैं अपने बेसमेंट के लिए, बेसमेंट भी काफ़ी स्पेशियस है, चलो चलते हैं। तो ये बेसमेंट में अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारा हमारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे जो सब्जियाँ वगैरह आती हैं एक्स्ट्रा, वो रखी जाती हैं सीढ़ियों के पीछे। बाकी इधर आपको सामान दिखाते हैं एक बार, ये सारा सामान आप देख सकते हो, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हुई है ना, तो सबके सर्दियों वाले कपड़े बाहर निकले हैं। अब ये सब कपड़े निकल के जाएंगे सबके बेड्स में और सबके अलमीरा में। बाकी ये हमारा बेसमेंट वाला एरिया है, ये सारे अलमीराज भरे हुए हैं मम्मी के कपड़ों से मोस्टली। बाकी मेरा क्रिकेट का बहुत सारा सामान वो सब इधर रखा, मेरे किट बैग इधर रखे हुए हैं। उधर एक छोटा ऑफिस टाइप का एरिया है जो कि अभी तक ऑफिस में हमने कन्वर्ट नहीं किया है। ये आप देख सकते हो पूरे यहाँ मेरा क्रिकेट का सामान काफ़ी सारा रखा हुआ है और जितने भी एक्स्ट्रा आइटम है वो सब इधर आ जाते हैं। एक ये एरिया है, ये मैंने आपको बताया छोटा ऑफिस के टाइप का था, ये आप देख सकते हो, उसको देख के आपको अंदाजा लग जाएगा एक चेयर रखी हुई थी, लेकिन इसको हमने ऑफिस बनाया नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर एक्स्ट्रा डब्बे रखे हुए हैं जो घर में आ जाते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो अभी कल मम्मी डायसन का मशीन लेकर आई थी तो इसका डब्बा यहीं पर रखा हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा सामान होता है ना जो हमें रिटर्न करना होता है, मतलब वारंटी में है, तो तब तक वारंटी खत्म नहीं होती है सब चीज़ें संभाल के यहाँ पर रखते हैं। ये योगा मैट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर सेफ रखी हुई है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी की जितने भी एक्स्ट्रा सामान है घर का वो सब इधर रखा जाता है हमारा। अब चलते हैं हम ऊपर, आपको दोनों रूम्स दिखाता हूँ और अपना हॉल दिखाता हूँ, आइए। तो हॉल से अटैच्ड है ये हमारा बाहर का रास्ता और यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बैठने की जगह बनाई हुई है, मैं पहले आपको वो भी दिखाता हूँ, आइए। एरिया है जो कि हमारा मतलब एक प्राइवेट एरिया है, यहाँ आप देख सकते हो पीछे, यहाँ पर ये फाउंटेन लगवाया हुआ है और ये जिस टाइम चलता है इसमें म्यूज़िक भी बजता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हम लोग फैमिली बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, बाकी पापा यहाँ पर योगा करते हैं सुबह सुबह अपना, पापा और मम्मी। गर्मियों के टाइम में बहुत अच्छा यूटिलाइज होता है एरिया, शाम के टाइम में जब धूप चली जाती है। यहाँ से आप देख सकते हो पूरा एरिया घर का कैसा लगता है। और बाकी ये जो एरिया है ना, ये आप देख सकते हो छोटी सी गैलरी बनाई हुई है जो कि बिल्कुल ग्रीन गैलरी है। यहाँ पे मम्मी ने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। और ये है जो हमने एंट्री वाला एरिया देखा था ना, तो एक तो जाता है हमारा एंट्री से ड्राॅइंग रूम में, दूसरा आता है इधर। तो हम मान लो कोई ड्राॅइंग रूम में बैठा हुआ है, पापा के कोई गेस्ट बैठे हुए हैं, हम लोगों को अंदर आना है, हम नहीं जाना चाहते, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उनकी मीटिंग के बीच में, तो हम साइड में से यहाँ आ सकते हैं, डायरेक्टली घर के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये हम लोगों के लिए एरिया है जो कि हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करते क्योंकि मैं तो हमेशा वहीं से आता हूँ। गाइज़ ये वो एरिया है जो यश का और दीदी का आपने बालकनी देखी थी ना पीछे से, वो यहाँ से जाके ज्वाइन हो जाती है अगर हम बाहर से जाना चाहें। ये भी पूरा मम्मी ने भरा हुआ है फ्लावर से और बहुत सारी इसमें ग्रीनरी लगा रखी है। यहाँ पर इसको पहचानते हो ना, मेरी दोस्त है ये, मुझे कभी कुछ नहीं बोलती, बहुत शांत है ये लड़की। और इतनी सारी डेकोरेशन मम्मी ने की हुई है, आप देख सकते हो हर जगह, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। तो भाइयों अभी हम चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है। तो ये है जीना ऊपर जाने के लिए, और ये जो मैं आपको इसके बारे में चीज़ बताई, ये जो रेलिंग्स है ना, ये स्पेशली फ्रांस से मंगवाई है पापा ने, क्योंकि पापा को बहुत पसंद थी, 3 महीने की वेटिंग के बाद ही आ पाई थी। इनमें से अगर किसी को कुछ हो भी गया ना तो भी वो 3 महीने बाद यहाँ पर आ पाएगी, लेकिन पापा को इन चीज़ों से बहुत प्यार है, छोटी छोटी चीज़ों से। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, हम जब भी ऊपर से आते हैं तो खुद को देख सकते हैं कि कैसे ड्रेस्ड अप हैं हम या नहीं। ये सब मम्मी ने यहाँ पर लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है जो कि। अब चलिए चलते हैं ऊपर। तो जहाँ पे जाके जीना खत्म होता है वहाँ पर सबसे पहले हमें मिलते हैं बुद्धा जी की पेंटिंग, बाकी ये फ्लावर वास मम्मी ने लगाए हुए हैं। और अंदर घुसते ही यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे CCTVs लगे हुए हैं, घर में जितने भी जगह कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे यहीं से हम लोग देख सकते हो, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहला रूम आता है, वो है करण का, जो कि आप करण वाली वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हो। ये रूम पूरा रॉयल थीम पे बना हुआ है, आप देख लो एक बार।
और यहाँ से ये व्यू आता है बाहर का। आपने अगर ये रूम मिस कर दिया तो मैं करण वाले वीडियो का लिंक एंड में डालूंगा, आप जाके देख सकते हो उसका रूम अच्छी तरीके से। बाकी आप देख सकते हो फोटोज वगैरह करण ने लगाए हुए हैं, और देखो रूम करण का, मेरा फोटो सबसे पहले लगा हुआ है, हम तीनों भाइयों के लगे हुए यहाँ पे। ये करण का टीवी, और जब मेरे रूम में जाते हैं तो उस टाइम ये यहाँ पर फोटो फ्रेम लगा हुआ है मम्मी और पापा का। अब यहाँ से शुरू होता है मेरा रूम, आइए। तो मेरे रूम में सबसे पहले घुसते ही ये सोफ़ा लगा हुआ है, जहाँ पे मैं कई बार लेट के या बैठ के अपनी बुक्स पढ़ सकता हूँ। मेरे को बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, ये सारी मेरी बुक्स यहाँ पर है, और ये पता नहीं क्या क्या आइटम यहाँ रखे हुए हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कौन यहाँ पर रखता है, लेकिन ये सारी बुक्स हैं। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा, इसमें आधी ज़्यादा होंगी स्पिरिचुअल टाइप्स की। ओके, मेरा बेड, ये मैं अभी आपको, ये देखो पापा ने सब अपने कपड़े निकाल के यहाँ रखे हुए हैं अभी। और ये मेरा टीवी, वो मेरी ट्रॉफीज़, ये मेरा मार्शल स्पीकर, इस पर मैं गाने बहुत सुनता हूँ, मेरे को म्यूज़िक का बहुत शौक है, ये सब मैं देखता हूँ, खुद पे प्राउड फील करता हूँ। ये टीवी जो कि मैं बहुत बहुत कम देखता हूँ। ये मेरी बालकनी, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ठंडों में, क्योंकि धूप यहाँ पर डायरेक्ट आती है और हम लोग यहाँ मम्मी तो यहाँ लेट जाती है लिटरली ठंडों में, कि यहीं पर सोती है, अपनी वो चादर बिछा देती है यहाँ पे आके। लेकिन ये एरिया बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आप पीछे देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है, कितना पीस है यहाँ पर। यहाँ से हमारे घर का गार्डन भी दिखता है। ये मेरी अलमीरा आप ऑलरेडी देख चुके हो। ये मेरा बाथरूम जो कि कुछ ऐसा है। ये जो इस पे जो ये पत्थर है ना, ये मम्मी और पापा की पसंद का है, मतलब मुझे इनिशियली अच्छा नहीं लगा था लेकिन अब अच्छा लगता है ये। अब चलते हैं पापा और मम्मी के रूम में, चलिए। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मम्मी पापा के रूम में, लेकिन उससे पहले पड़ता है मंदिर, इसलिए मैंने अपने शूज रिमूव कर दिए यहाँ पे। ये है हमारा मंदिर, बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा, आप देख सकते हो। हमारे लड्डू गोपाल जी भी इधर ही है, और यहाँ पर एक माता रानी की मूर्ति है, साथ में गणेश जी की मूर्ति है। एक ये और टीवी लगा हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है अंदर पापा अपनी न्यूज़ देख रहे होते हैं, मम्मी कुछ टीवी पे देख रहे हैं, तो वो इधर बैठ के देखते हैं। ये सामने बैठने का एरिया है जहाँ पे हमारा गॉसिप होती है ज़्यादातर। हम लोग सुबह सुबह शाम के टाइम में आके यहाँ पर बैठ जाते हैं मम्मी पापा के रूम के बाहर, और यहाँ बैठ के हम बतलाते रहते हैं। बाकी ये जगह फोटोशूट्स में बहुत यूज़ होती है, क्योंकि इसका जो फोटो फ्रेम निकल के आता है बहुत अच्छा आता है। एक बार आप ये एरिया देखिए पहले। तो अब चलते हैं भम्मू और पाई के रूम में, आइए। तो गाइस, इस रूम को आप ब्लॉग में रोज़ ही देखते हो, ये है भम्मू और पाई का रूम, बहुत स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक ये चेयर है, उधर एक सोफ़ा है, ये मम्मी पापा का बेड है जो कि पूरा रॉयल थीम पे है। बाकी ये है उनका टीवी देखने वाला एरिया, यहाँ पर एक स्पीकर लगा हुआ है। इनके रूम की बेस्ट चीज़ पता क्या है, उनका वॉशरूम, आइए। तो गाइज, ये सबसे पहले आप देख रहे हैं कोई शॉप नहीं है, ये मम्मी का कलेक्शन है पूरा, नेल पेंट का, लिपस्टिक का, उनको बहुत ज़्यादा शौक है। क्योंकि उनका वॉशरूम आप देख रहे हैं, सारे अलमीरा है, उनके कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पर। ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम किसी शॉप जैसा लगता है अंदर आके। फिलहाल मैं बैठा हूँ, ये जकूजी है मम्मी और पापा का जो कि वो बहुत कम यूज़ करते हैं। ये उनका बाथरूम है, और ये उनके प्रोडक्ट्स आप एक बार देखना भाई, आपको लगेगा शॉप है। और ये है मम्मी और पापा की बैल्कनी जिससे बाहर का बहुत अच्छा व्यू आता है, आइए। गाइस, पता है टिकटॉक के टाइम पे ना, मैंने और नीतू ने अपनी एक वीडियो यहाँ से बनाई थी, और वो हमारी पहली सुपर डुपर वायरल वीडियो थी, क्योंकि वो 50 मिलियन क्रॉस की थी टिकटॉक पर, वो यहाँ पर बैठ के हमने बनाई थी। ये एरिया है, यहाँ से पापा मम्मी सामने पूरा देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है, कोई आता है तो भी यहाँ से देख सकते हैं कौन आया है। बाकी हमारी सारी कार्स वहाँ पे लगी रहती हैं पार्किंग में, तो भी वो देख सकते हैं कौन सी कार है कौन सी नहीं है। ये उनकी बालकनी है, बहुत स्पेशियस है। अभी हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे आप लोग बहुत कम गए हो, क्योंकि मैं व्लॉग्स में ज़्यादा बनाता नहीं हूँ। चलिए थर्ड फ्लोर पे चलते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ भी सेम थीम है, सेम पैटर्न जो कि नीचे वाले जीने पर आपने देखा था, वही यहाँ पर भी है। ये बेसिकली है पार्टी रूम। पार्टीज हम में से कोई भी नहीं करता, फिर भी पता नहीं क्या सोच के पापा ने पार्टी रूम इसको बनवाया था। मैं तो चाहता हूँ इसको पूरे को लाइब्रेरी में बदल दूँ, यहाँ बैठ के शांति से पढ़ूँ। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर एक टीवी लगा हुआ है, ये पूरा यामाहा का सिस्टम लगा हुआ है, जिसके पता नहीं स्पीकर कहाँ कहाँ से, लेकिन इसको फुल वॉल्यूम पर चलाते हैं तो पूरे सोसाइटी में आवाज़ पहुँच जाती है। थोड़ा ज़्यादा हो गया मुझे पता है। तो ये है पार्टी जब चलती है, उसके लिए खाना लाने के लिए जब ऊपर आता है खाना नीचे से, और ये यहाँ का थीम बिल्कुल अलग है। बाकी ये आप देख सकते हो, ये पूरा एक हमने पार्टी के लिए थीम बनाया हुआ था यहाँ पे। यहाँ पहले बहुत सारी बॉटल्स रहती थी जो कि अब नहीं है, खाली ग्लास देख के आप समझ ही जाओगे। लेकिन ये एरिया यूटिलाइज नहीं हुआ कभी, या पता नहीं कभी कोई पार्टी होती मैंने नहीं देखी अभी तक, लेकिन हाँ हम बहुत जल्दी करेंगे। पार्टी रूम के बाहर ये है हमारा टेरेस, और इसको भी हम पार्टीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि ठंडों में बहुत ज़्यादा देर के लिए धूप रहती नहीं है, तो जब भी धूप रहती है सारे कपड़े बाहर आ जाते हैं। बाकी यहाँ से आप देख सकते हो पीछे का पूरा व्यू, या आप देख सकते हो कितना खुला हुआ एरिया है और कितना पीसफुल एरिया है। ये पीछे यहाँ पर एक तालाब है छोटा सा, ये यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग कोविड के टाइम पे क्रिकेट खेलते थे लॉकडाउन में, और वो पीछे का एरिया पूरा देखते हो पूरा ग्रीन एरिया है जो कि हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम जहाँ वॉक पे जा सकते हैं, जहाँ पे हम खेल सकते हैं। जनरली वहाँ पे ऑस्कर और शीरो घूमते हैं, और उनको वो एरिया बहुत पसंद है, उनके लिए पार्क है वो। ये वैसे बेसिकली ये छोटा एक गोल्फ कोर्स है प्रैक्टिस वाला। हमारी सोसाइटी में 5-6 अलग अलग गोल्फ कोर्स है, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग इनको शायद इनको होल्स के साइज़ से जाना जाता है।
तो ये वाला बहुत छोटा है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो अभी ये है हमारा सबसे टॉप फ्लोर पर, ये स्टोर रूम टाइप का है जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा जाता है बेसिकली किचन का। और ये एक यहाँ पर वॉशरूम है, क्योंकि अगर पार्टी हो रही है और किसी को वॉशरूम यूज करना है तो एक ये वाला वॉशरूम आप देख सकते हो, काफी सुंदर बना हुआ है ना। ये वाला बेस्ट वॉशरूम है अगर देखा जाए तो, थीम वाइज बहुत सुंदर लगता है। बाकी ये सारे रूम्स हैं जो भी हमारे डोमेस्टिक हेल्प है। बहादुर भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे यार? तुम्हें मुंह धोने क्या जरूरत है, तुम इतना स्मार्ट हो यार। हमारे बहादुर भाई इधर ही रहते हैं। बहादुर भाई आज तुम्हारा रूम दिखाने आया था मैं सबको, चलो आओ नीचे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, दो साल वेट किया लेकिन सॉरी यार, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता था, वैसे मेरे आलस की वजह से नहीं हो पाता था। लेकिन गाइस आपने इतने अच्छे से देखा, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखो इसका मतलब आपने पूरा होम टूर देखा, तो आपको पसंद भी आया होगा। प्लीज लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके जरूर बताना और प्यारे प्यारे कमेंट करना, क्योंकि हम नेक्स्ट ब्लॉग में उनको रीड करने वाले हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।